अरविंद भाई नमस्कार। मैंने आपके ये चार तबले यानी कि दो तबले और इनकी दो पुड़ियां तैयार करी हैं, जो कि आपने बोला था काली एक और काली दो। तो काली एक में ये दो तबले हैं और काली दो में ये दो तबले हैं, और साइज इनका दोनों का 6 इंच है। तो मैं आपको इंच से शुरुआत कर देता हूँ। ये देखिए, ये 6 इंच है, ठीक है। ये देखिए 6 इंच, और ये भी आप ये देखिए 6 इंच। बहुत नज़दीक से दिखाना बेटा, है ना, ठीक है। और इसी तरह से ये भी 6 इंच है, ये देखिए 6 इंच, और इसी तरह से ये भी देखिए आप, ये भी 6 इंच है, ठीक है। तो साइज तो मैंने आपके चारों बराबर है। अब इनकी आवाज की बात है, और आवाज यानी कि सुर कौन कौन से सुर में ये तैयार किए गए हैं। तो ये दो तबले जो 6 इंच में बनाए हैं, ये आपका काली एक है यानी कि सी शार्प। ये देखिए, और ये आपका सुर, ये देखिए, ये देखिए, ये सी है, सी शार्प, सॉरी। तो ये सी शार्प का आवाज, इसको मैं हटाता हूं और इसको देखता हूं। ये देखिए, ये तो आपके सी शार्प रहे। अब इसी तरह से ये 6 इंच में आपके दो तबले काली दो यानी कि डी शार्प, ये देखिए काली, ये देखिए, तो ये आपके काली दो के हो गए। ये देखिए, ये देखिए, और ये 6 इंची में है। और मैंने आपसे कहा था कि दो काली दो का जो तबला है वो काली दो पे भी बोलेगा, और अगर चाहोगे तो आप ई पे भी बजा लेना, इनको ये मना नहीं करेंगे। तो ये आपके पास, यहाँ से ये जाएंगे अब आपके पास अमेरिका कैलिफोर्निया। तो मैं बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर मेरे काम को, मेरा काम अच्छा है और आपको पसंद आता है, तो मुझे ज़रूर, मेरी हिम्मत बढ़ाइए, बस मैं यही चाहता हूँ। तो इसका सुर मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, ये जो तबले हैं ये प्रोफेशनल तरीके से बनाए गए हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आसानी से कोई भी चीज, रेडीमेड वाला जो सिस्टम होता है वो नहीं होता। ये तो प्रॉपर पर्टिकुलर सुरों के हिसाब से बनाया गया है, और एक फरमाइश के हिसाब से कि साइज भी होना चाहिए और सुर भी होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। ये देखिए, ठीक है। तो ये दोनों तबले आपके दूसरे यानी काले में, यानी कि दूसरा दो काले का ये बन गया काली दो, और ऐसे ही ये आपके दो तबले सी शार्प यानी कि आपका काली एक। ये देखिए, तो ये इसी तरह से मैं आपको
इन चारों तबलों के बारे में बता रहा हूँ। और अब ये मैं इसको रखता हूँ और ये आपको दूसरा तबला भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, और एक थोड़ा सा एक जैसे मैंने हर वीडियो में अपने तबलों को बना के दिखाता हूँ, तो अगर किसी को भी चाहे कि मैं थोड़ा सा पहले काले से ऊपर ले जाना चाहता हूँ तो ये पहले काले से ऊपर भी जाएंगे। मैं एक तबले का दिखाता हूँ, आप ये देखिए, आप ऐसे करेंगे ना तो फोरन जाएगा। ये देखिए, अब हम इसका सुर देखते हैं ये कहाँ है, क्योंकि हर बारी मैं इसी तरह से, ये देखिए ये डी में आया। अब आप इसी को आगे इजीली ले सकते हैं। ये देखिए, ये इन सुरों से मिलते जुलते हो गए तबले, यानी कि आप इसको भी अगर चाहें तो ये भी ऊपर चढ़ के अभी बोल सकता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि आपका सुर, जैसे अक्सर लोग बना के यहाँ से भेजते हैं और दूसरे काले का यानी कि काली दो का ये बता के, और फिर वहां पर जो वो उस सुर में चढ़ नहीं पाता, तो वो नहीं होना चाहिए। ये तबला इस ढंग से चढ़ना भी चाहिए, पहले काले में भी बोले तो दूसरे सफेद में भी बोले, दूसरे काले में भी बोले। ये देखिए, बोल बंद नहीं होना चाहिए आवाज इसकी। ये देखिए, तो ये चीज जरूरी है। अब मैं आपको फिर वहीं पर ही आपको उसको पहले काले पे यानी कि काली एक में कर देता हूं और आप इसको समझ लें। ये देखिए, ये फिर वहीं आ गया जहां पर आप चाहते हैं कि ये काली एक का आपने तबला जो बनवाया है काली एक का, तो ये काली एक पे ही बोलना चाहिए। अब ये देखिए, नीचे भी आप इसका मजा लीजिए। ये देखिए, ये यानी नीचे भी अच्छा बोलेगा ये। अगर आप चाहेंगे तो पहले सफेद पे भी बोलेगा, सी में भी बोलेगा ये। तो मैं आपको, ये ट्विन बन तबले हैं। ये देखिए, यानी कि अभी ये टाइट है ना, किची लगी है, फिर भी ये पहले सफेद में आया। आप इसको आसानी से पहले काले पे ले लो, यानी कि काली एक में ले लो। ये देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसीलिए आपका पहला काला। ये देखिए,
आपका काली एक में आ गया फिर से वही। ये देखिए थोड़ा करीब देखना, ये देखिए। अब इसी तरह से ये आपका पहले काले में ये भी है, ये देखिए। तो आप इसको आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, किसी भी सुर में आप बजा लें। आपको पहले सी में बजाना है तो सी में बजाइए, सी शार्प में बजाना है सी शार्प में बजाइए। इसी तरह से आप डी में बजाइए, डी शार्प में बजाइए, ई में बजाइए, इन तबलों को। ये देखिए इसी तरह से, ये देखिए ठीक है सर। अच्छी बात है। नमस्कार जी।